जय बद्री विशाल। तो आशु फंटी वी के एक और नए व्लॉग में सबका स्वागत है, करता हूँ। सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो हमेशा की तरह व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शाम के टाइम पे। ये देख लो पीछे क्या बढ़िया व्यू हो रखा है पौड़ी का। अभी बारिश का मौसम हो रखा है, आज सुबह से बारिश लगी हुई है, मतलब हो रही है रुक रही है, हो रही है रुक रही है। तो अभी तो ठीक हो रखा मौसम, बट आजकल पौड़ी में क्या हो रहा है कि दिन में तो सही रहता मौसम, बट रात को ठीक ठाक बारिश हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ अभी बर्थडे पार्टी में। तो बर्थडे है जो मेरी चाची है उनकी बेटी का, तो हमारे घर के ऊपर ही उनका घर है गांव में, और पौड़ी रहते हैं चाची लोग और बच्चे उनके पौड़ी पढ़ते हैं स्कूल में। तो आज बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया हुआ है मुझे, बस वहीं पर जा रहा हूँ फटाफट से, और आप लोगों का भी बर्थडे पार्टी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जरा एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो फिर अभी मज़े ले लो आप लोग वीडियो में ही पौड़ी के खूबसूरत व्यू के, ऊपर से लेके और नीचे तक पूरा मार्केट दिख रहा है बढ़िया से। और इस साइड पास में ही रहती है चाची, हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही है उनका कमरा, तो वहीं पे चलते हैं और वहीं पे दिखाते हैं आपको बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। तो बोले एक बार जोर से बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी गुड, बढ़िया आपने डेकोरेट तो बढ़िया कर रखा बिल्कुल। अच्छा अच्छा लाइट चल गया। अरे वाह, इधर बैठी है, मेन पार्टी है। सही है, क्या क्या पकवान बना रखे चाची आपने? ये देखो ये फुल बड़ी बोलते ना, ये पैथोड़ है, पैथोड़ फुल बड़ी, और ये आलू के पकौड़े, चटनी बना रखी। ये देखो अभी यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फ्लावर का है। अपर अपर नाम में कौन रखना चाहे फ्लावर? घोटाला कर रहे यहाँ पे अपर अपर बच्चों को फ्लावर, बच्चों बच्चों को है ताल ब्रेड ही ब्रेड। ये देखो भाई बच्चों देता आप मिरिंडा मिरिंडा दे दे आई। आप कौन माँ जाए स्पाइस रख स्लाइस रख क्यों पूरा है यंत्र पार्टी ऊचन भेदभाव अब नॉन ऑन मतलब बैठ जाए तुम मिरिंडे खतरनाक हो आप दीदी। दो कोल्ड ड्रिंक तो आपने ऑलरेडी पी दी, अब तीसरी ले तीसरी। फ्रिज में है, फ्रिज में। तो फिर अभी बर्थडे पार्टी से मैं घर पे आ गया था, और आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना था, एक चीज़ के बारे में बात करनी थी मुझे। वैसे तो जितने भी लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, या न्यूज़ भी देखते हैं, तो उन लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई अभी क्या सिचुएशन हो रही है बारिश की वजह से उत्तराखंड में, हिमाचल में, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड आ जाता है ना, बहुत सारा नुकसान हो जाता है जान माल का। तो अभी उत्तराखंड भी इसी दौर से गुजर रहा है। लास्ट ईयर जब देहरादून के मालदीव तक साइड आई थी उस टाइम पे भी बहुत लोगों के घर छीन दिए गए थे क्या बोलते हैं बाढ़ की वजह से। और अभी देखो जो टीरी का बूढ़ा केदार क्षेत्र है वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर 3-4 गाँव में बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। मतलब वहाँ पर अच्छी खासी फैमिली रहती थी जो गाँव में लोग रहते थे, बट अब देखो किस्मत की मार देखो कि उन्हें जो लोगों ने प्लान नहीं करा था, अब किस्मत कि मारू ने ऐसे पड़ी कि उन्हें अप्लाइन करना पड़ेगा। अभी मतलब घनसाली क्षेत्र है टीरी का, वहाँ पे 3 गांव हैं, तिमलगढ़, पाली और जखनाली। तो इन तीनों गांव में फ्लड आया है और मतलब कई कैजुअल्टी भी हो चुकी है वहाँ पे। तो जो तिमलगढ़ गांव था वहाँ पे तो लोग बच गए, बट पाली गांव में भी 2 लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे, और जो जखनाली गांव है वहाँ पे भी कई लोग मतलब फ्लड की वजह से रात को मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो बहुत बुरी सिचुएशन है। तो कुछ क्लिप्स हैं अभी मेरे पास जो आप सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया में, तो वो आप अभी देख सकते हैं। बचाए
जावा जगह जावा हम सरकार दा जान हम कहि नि जान हम कहि जान जर सरकार जान हमर थिएटर में किछु नी हम न न आउ गए हमर बदल भर बत लगी भी नी दूर कभी नी का हमार बत गए का हमार गाय गए का हमार भैंस गए का हमार जमीन गए हम स्कूल वाला खड़े नहीं होता है मार की बात सही हुआ है हम एक बार खड़े नहीं होते हैं हम नहीं कि मार जा रही हम तो एक बहुत मार जा कितने बोले वो करना चाहिए हम उधर भी बात सही सुन पाई हमारे गांव चार बार है यार हमारे गांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया चार बार जाए कमाल करते हैं हमारे हमारे गांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है कुछ भी नहीं बोला उन्होंने हमारे गांव के लिए हमें गांव के बस हमें कुछ नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए अगर खाना कुछ भी नहीं हमें हमारा गांव चाहिए हमारे स्कूल नहीं हमारे हमारे स्कूल हम पर हम पढ़ाई कर करेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो फिर अभी आप लोगों ने विजुअल्स देख लिए होंगे घनसाली क्षेत्र के, वहाँ पे जो तीन चार गांव हैं वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, मतलब एक तिमलगढ़ हो गया, एक पाली हो गया, एक जखनाली हो गया और एक दो गांव और अटैच हैं जहाँ पे मतलब अच्छी खासी फैमिली रहती है, जिन लोगों ने गांव से प्लान नहीं करा था बेचारे मतलब अभी स्कूल में रह रहे हैं वहाँ पे जो इंटर कॉलेज है, बच्चों का स्कूल छूटा हुआ है, जिन लोगों के अपनी गाय बकरी थी भैंस थी जो भी जानवर थे वो फ्लड में बह गए, तो बहुत परेशान हो रहे हैं वो लोग वहाँ पे। इवन वहाँ पे अभी सीएम ने भी दौरा करा था, बट वही है कि उन्हें आश्वासन दिया है, अब कहाँ शिफ्ट होंगे ये भी कुछ डिसाइड नहीं करा है। तो उन लोगों का अभी इंटरव्यू देख रहा था मैं बारहमासा पे वहाँ के लोगों का, तो वो लोग बता रहे थे कि अभी स्कूल में शिफ्ट हुए और ऐसे रह रहेंगे भेड़ बकरियों की तरह। बाकी जो अभी बच्चे दे रो रहे थे वो तो कह रहे थे कि हमें गाँव चाहिए, जिन लोगों को गाँव से अटैचमेंट होती है अपने घर, मतलब अपना घर तो अपना घर ही होता है चाहे गाँव में हो चाहे कहीं भी हो, अगर अपना घर छीनता है तो उससे ज़्यादा दुख तो क्या ही हो सकता है। बाकी जिनकी फैमिली में कैजुअलिटी हुई है तो वो बेचारे पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं, तो भगवान उनको स्ट्रेंथ दे उनकी फैमिली को ये दुख सहने के, होपफुली कि जल्दी इन चीज़ें नॉर्मल हो। हर साल मतलब कुछ ना कुछ होता ही है उत्तराखंड में, जब भी बारिश का टाइम पे आता है तो फ्लड, कभी लास्ट ईयर देहरादून में आया था, कभी पौड़ी के कुछ ही गाँव में आ जाता है उत्तरकाशी साइड टिहरी में, तो बहुत बुरी सिचुएशन है। बाकी अभी केदारनाथ साइड में भी जहाँ पे रामबाड़ा है वहाँ पे भी बादल फूटा था, तो वहाँ पे भी किसी ने कुछ रिकॉर्ड करा था तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे भी मतलब दो पुल टूट चुके हैं, तो वहाँ पे भी बड़ी बुरी सिचुएशन है अभी। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की भी जो है यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पा रहे। तो फिर अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि केदारनाथ के जो रामबाड़ा क्षेत्र है वहाँ पे क्या सिचुएशन है, दोनों पुल बह चुके हैं बादल फूटने की वजह से और बहुत नुकसान हो गया वहाँ पे। बाकी शायद वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी भी हुई है तो उसका भी कंफर्म नहीं है। बाकी जो घनसाली क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक यूबीटी केयर्स करके एक ग्रुप है देहरादून का, जिन्होंने लास्ट ईयर जब मालदेवता साइड में फ्लड आया था तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, और देहरादून में भी वो जितने भी पिकनिक पॉइंट है वहाँ पे जाके क्लीनिंग वगैरह करती रहती है, कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं सोशल वर्क के लिए। तो अभी वो लोग घनसाली क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं जहाँ पे बूढ़ा केदार है, जहाँ पे तिमलगढ़ के और पाली के और जखनाली के लोग रह रहे हैं, तो लोग वहाँ पे मतलब अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है फंड रेज कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं, घर तो दिला नहीं सकते पर जितना भी उनसे हो सकता है वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो डाली है, आप लोग वो जरूर देखें। अभी हमें विनखाल इंटर कॉलेज में जो कि बूढ़ा केदार के पास पड़ता है, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पे एक जगह है तिनगढ़, जहाँ पे कुछ दिनों पहले भारी आपदा आई, लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से 80 से ज्यादा परिवारों के घर उजड़ चुके हैं दोस्तों। हालत इतने बुरे कि आज ये लोग मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं
ये सबके सब लोग एक इंटर कॉलेज में रह रहे हैं, जहाँ पे कितने दिन ये रह पाएंगे इसका भी अभी पता नहीं है। तो हम अभी, हमारी यूबीटी गेट्स की टीम अभी यहाँ पे आ रही है, हमसे जितना हुआ है हम लोगों ने तो किया ही है दोस्तों। अब मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर सौंपता हूँ। हम इन लोगों के लिए डोनेशन कैंप चालू करने वाले, जो कि कुछ दिनों तक चलेगा, जिसमें आप लोग डोनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने समय जितना भी हो। हम इन लोगों का जो उजड़ा है वो तो हम इन्हें वापस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करके कुछ इनकी मदद कर सकते हैं, जिनके जिससे कि इनके जो मायूस चेहरे इनमें हंसी खिल सके। दोस्तों कभी भी केरला में फ्लड आता है, इधर उधर कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है, तो उत्तराखंड से इधर उधर से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है। आज उत्तराखंड की वारी, अब देखते हैं कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, कितना आप लोग साथ देते हैं। और हाँ दोस्तों, जितना भी डोनेशन इस कैंपेन से कलेक्ट होगा उसके हम टाइम टू टाइम अपडेट आप लोग को देते रहेंगे, और ये फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। थैंक यू। तो फिर अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस हिसाब से यूबीटी केयर्स वहाँ पे पहुँचा हुआ है, प्रॉपर फंड रेज कर रहा है, उन लोगों की हेल्प कर रहा है, उन्हें बहुत हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे। अभी तो मतलब उनको मॉरल सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल, मुझे लगता है हिम्मत हार चुके होंगे, क्योंकि अपना घर खो दिया उन्होंने वहाँ पे, और एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे उनके लिए मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी नहीं है, इतने सारे लोग हैं, इतनी छोटी सी जगह है, तो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे उन्हीं को पता चल रहा होगा। बाकी यूबीटी किड्स वहाँ पे फंड रेज कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ डोनेट करें जितना आप लोगों से हो सकता है, सो दैट कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से एक मॉरल सपोर्ट हो जाए उनके लिए। और भगवान बद्री विशाल से बस ये प्रार्थना है कि अब ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी मिस हैपनिंग्स ना हो, क्योंकि बहुत लोगों के घर जा रहे हैं, तो बहुत टफ है मतलब ना अपना घर छोड़ना, अपना घर अपने सामने टूटते हुए देखना। तो मतलब आई होप कि किसी की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन ना आए, और होपफुली जल्दी ठीक हो जाए। बाकी अब इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, होपफुली आप लोग ज़्यादा शेयर करोगे ये वीडियो, ताकि लोग डोनेट करें और अपनी तरफ से सपोर्ट करें जो घनसाली के लोग हैं, जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।